ये मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के बभनगामा पंचायत मलहनमा वार्ड नंबर 13 की है, जहां एक 35 वर्ष के युवक को उसके पिता ने चाकू घोप कर मार डाला है। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि मरने वाला युवक मुकेश शर्मा, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। ग्रामीणों ने कहा कि मुकेश शर्मा के पिता हरि नारायण शर्मा ने शराब के नशे में छोटी सी घरेलू विवाद को लेकर कलयुगी पिता बनकर चाकू घोप कर अपने ही बेटे को मार डाला। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक मुकेश शर्मा के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं इस घटना को लेकर त्रिवेणीगंज SHO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इसके बाद शव को परिजन को सौंप दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कलयुगी पिता हरि नारायण शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं अब मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना घटी है, मर्डर हुआ है, क्या मामला है? बाप बेटा का थोड़ा अपना आपस में झगड़ा हुआ, दारू पीता था बाप, झगड़ा में चाकू निकाल के बेटा को मार दिया। यही घर पे मौत हो गया कि? नहीं, हॉस्पिटल जाने ले जाने क्रम में मौत हो गया। हॉस्पिटल में जाके तब मरा। कौन पंचायत में है? बहुन का मामला। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 वार्ड नंबर 13 में। क्या नाम था लड़का का? मुकेश कुमार शर्मा। और उनके पिताजी का? हरि नारायण शर्मा। सुनते हैं घटना, ये है वार्ड नंबर 13 का। कौन पंचायत है? बवनगामा पंचायत है, वार्ड नंबर 13 मलहनमा। पिता के द्वारा पुत्र की हत्या हुई है। कैसे मारा गया? चाकू से। चाकू से कौन के मार दिया? कुछ पहले से लड़ाई झगड़ा था? नहीं, कोई लड़ाई नहीं था, दारू पीते थे पिताजी, ऐसे ही मार दिया। उसकी मौत हो गई ना। क्या नाम था जिस जिसको मारा है? मुकेश कुमार। उसके पिता का नाम? हरि लाल शर्मा। हरि नारायण, हरि नारायण शर्मा। लड़का कितना उम्र होगा? लगभग 30-32। बाल बच्चा भी है? एक बेटा है, 6 बेटी। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण शर्मा। कहाँ घर है? मलहनमा। पंचायत? वार्ड नंबर कितना है? 13। यहाँ क्या मामला था? मामला यही था जो उसका बाप फुल दारू पिए हुआ था। के क्या नाम है उसका? हरि नारायण शर्मा। अच्छा, तो वही हरि नारायण शर्मा, वो बाप बेटा में तूतू में हुआ। और तूतू में के क्रम में मुकेश नहीं देख पाया, जिसके हाथ में छुरा भी। और मुकेश उसका लड़का है? हाँ, जो मरा। हाँ। वो मारा छुरा। हाँ। छुरा जब मारा तो उसके बाद हम भी आए, तो तब तक तो मुकेश लड़खड़ा गया था और हरि नारायण वो छुरा छोड़ नहीं रहा था, तो किसी तरह उसके हाथ से छुरा हम लोग लिए। उसके बाद वहाँ से हरि नारायण मुकेश को जो है सो बाजार भेजे गाड़ी से, तो हॉस्पिटल जाते जाते ही हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। मुकेश शर्मा, हरि शर्मा क्या लगेगा आपका? हमसे छोटा भाई है, भाई है माँ, मुकेश भतीजा है। दारू पीने में झगड़ा हुआ, उसी में मर दिया उसको। जी हाँ। कितना उम्र था लड़का का? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा का फिर 32-33 साल। क्या को बाल बच्चा उसको? 6 लड़की है, 1 लड़का।